हेलो फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन विद मनोज के एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 12 मोस्ट सेक्सुअली सैटिस्फाइड कंट्री इन द वर्ल्ड, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इन 12 कंट्री में ऐसे क्या है जो नंबर वन है इन वर्ल्ड में। इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया है तो कौन सी पोजिशन में है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि नंबर वन में, रैंक वन में कौन सा ऐसा कंट्री है और वो इतना अपने आप को सेक्चुअली लाइफ में यूं कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों। सो आज की वीडियो बिल्कुल ही फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होने वाला है और एक रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ यूनिक पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट है हमारी चैनल में सेक्स एजुकेशन विथ मनोज की। जो न्यू अपडेट है ये कि इसमें हम वीकली एक ऐसा अपडेट लाएंगे जिसमें जो कि लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा सेक्चुअली न्यूज़ के ऊपर। जो यदि आप दोस्तों हमारी अबाउट में जाकर चेक करेंगे कि जो टॉपिक में हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली हम एक न्यूज़ ऐड कर रहे हैं जो कि वीकली है, और वो न्यूज़ रहेगा वर्ल्ड ओवर की जो न्यूज़ है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसमें ऐसे यूनिक पॉइंट्स हम आप लोगों को बताएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। साथ ही साथ यू लर्न समथिंग न्यू एंड आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी सेक्चुअल लाइफ में एंड आप बेटर नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारी चैनल पे न्यू है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर इज़ नो चार्जेस, यू नो कि आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी अमाउंट पे करना नहीं पड़ रहा है, बट आपका प्यार और सपोर्ट जो है ऑलवेज हमें चाहिए जो आप दे आ रहे हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, बट ये आपको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपके भाई को। आप चाहते हो सपोर्ट करने तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स को, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन सा 12 कंट्री है जो कि अपने आप को सेक्स लाइफ में इम्प्रूव किया है और पहले इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, बट इन 21st सेंचुरी में ये अपने आप को इम्प्रूव किया है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो मैप में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ये सैटेलाइट से अपलोड हुआ है डायरेक्ट, ये जो इमेजेस है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट में रैंक यानी कि नंबर वन रैंक में आता है स्विट्जरलैंड, सेकंड में स्पेन, उसके बाद आता है इटली, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद आता है सिक्स में द नेदरलैंड एंड सेवन में आता है मेक्सिको, एट में आता है इंडिया। दोस्तों, आठ नंबर रैंक में अभी इंडिया चल रहा है, नौ नंबर में ऑस्ट्रेलिया, टेन पे आपका आ गया नाइजीरिया एंड इलेवन में जर्मनी एंड ट्वेल्व में चाइना, चाइना है 12th नंबर में। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताया। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे फर्स्ट रैंक यानी कि नीदरलैंड के बारे में कि इतने सारे वर्ल्ड में, इतने सारे देश है, इतने सारे कंट्री है, आखिर नीदरलैंड क्यों है और वो फर्स्ट रैंक में क्यों है। दोस्तों, यदि दोस्तों मैं नीदरलैंड की बात करूँ, उसके कुल आबादी जो 2020 के मुताबिक 86.4 लाख है, और साथ ही साथ नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड ने इस चीज़ को लेकर बहुत ही बड़ा पदक्षेप लिया है। वो पदक्षेप क्या है, 3 to 4 points मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो में बने रहिए टिल एंड तक। फर्स्ट इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों, नीदरलैंड की जो वेश्यावृत्ति संगठन है यानी कि आपको फाइंड आउट किए होंगे, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, हमारी बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे लोकेशन ऐसे है जहाँ पे वेश्यावृत्ति का काम चल रहा है। बट नीदरलैंड में दोस्तों जितने भी सारे वेश्यावृत्ति संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को कर रहे हैं, वो सारे लाइसेंस प्राप्त है, वहाँ पे पुलिस का ऐसा कोई रुकावट्स नहीं है, तो वो उस हिसाब से कंटिन्यूसली चल रहा है। सेकेंड चीज़ है दोस्तों, नीदरलैंड में सेक्स एजुकेशन के बारे में हर किसी को ज्ञान है, और ईच एंड एवरी नॉलेज टीनेजर से उन लोगों को यानी कि उस कंट्री में टीनेजर की एज से किड्स लोगों को इसके बारे में 100% नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि मैं बात करूँ स्कूल की, साथ ही साथ ये भी नॉलेज कॉलेज में भी दिया जा रहा है। तो ये है एक बेटर वे
और इसमें इस दोनों चीज़ को करने के बाद फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यदि एक कंट्री में सेक्स एजुकेशन को लेकर जितने भी सारे युवा है, यंग है, यूथ है या वो टीनेजर में है, वो यदि सही वे से एजुकेट अपने आप को कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ, तो उस देश में आप देख रहे होंगे जो रेप हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, वो डे बाई डे डाउन होता जाएगा। सेकेंड चीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी, थर्ड HIV एड्स जैसे महामारी भूताणु जनित जो रोग है, जो डिजीज है, वो डे बाई डे कम होता जा रहा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं उस देश का जो सरकार है इसमें बहुत ही अच्छा पदक्षेप लिया है। साथ ही साथ और एक इंटरेस्टिंग बात ये है फ्रेंड्स कि आप नीदरलैंड में 32 से ज़्यादा परसेंटेज लोग अपने सेक्स लाइफ को ज़्यादा इम्प्रूविंग एक्सलेंट कर चुके हैं ये सारे चीज़ होने के बाद। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप कैजुअली सेक्स भी कर सकते हो कॉमन एरिया में, यदि मैं बात करूँ पब्लिक प्लेस में, या कोई जैसे हम लोग की पार्क इंडिया की बात करो तो नीदरलैंड में ऐसे आप पब्लिक प्लेस में कैजुअली सेक्स कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा कोई बारन नहीं है या आपको ऐसा कोई जुर्माना वहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये आज की इस चैनल में जो टॉपिक था ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आज हम जाने 12 कंट्री इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ एक कंट्री के बारे में हम बात किए नीदरलैंड के बारे में। दोस्तों बाकी कंट्री के बाद बात करेंगे आगे जाकर, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा फिलहाल के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, आगे ऐसे ही लाटेस्ट और न्यू अपडेट, न्यू क्विज ऐसे ही हम आपको इस वीडियो में शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सेक्स एजुकेशन विथ मनोज।